मुर्गी की बांग के साथ नसीमा रोज सुबह जल्दी उठ जाती है। स्कूल के लिए तैयार होने से पहले उसको अपने अनेक दोस्तों से मिलना जो होता है। क्या आप सोच रहे हैं सुबह सुबह मिलने वाले नसीमा के दोस्त कौन हैं? चलिए हम भी उनसे मिलने चलते हैं। सबसे पहले और सबसे खास नसीमा की दोस्त है एक बिल्ली। नहा धो के तैयार होने के बाद नसीमा सबसे पहले घर के बाहर रखे कटोरे में दूध डालती है, जो कि एक भूरे रंग की बिल्ली आकर लपालप पी जाती है। यह बिल्ली नसीमा की पालतू नहीं है, उसके घर में नहीं रहती, पर रोज सुबह नियमित समय पर दूध का कटोरा सफा चट कर जाती है। बिल्ली को दूध पीता छोड़ फिर नसीमा अपने बागीचे में कुछ दाने बिखेर देती है, जिसे कबूतर, गौरैया और अन्य चिड़िया चुगने आते हैं। उनका दाना पानी पूरा हो इसलिए वह गेरुए रंग के बर्तन में पानी भी डाल देती है। बाग में इतनी चहचहाहट गूंजने लगती है मानो वो जीवित हो उठा हो। नसीमा के पिताजी पशुपालन का काम करते हैं। उसके गांव में अधिकतर लोगों की आजीविका पशुपालन पर निर्भर है। नसीमा के बगीचे के बगल में एक तबेला था, जहां कुछ गाय, उसके बछड़े और बकरियां बंधी हुई हैं। नसीमा रोज सुबह बाल्टी भर पानी ले जाकर इन जानवरों को नहलाती है, फिर उनके सामने चारा डाल देती है। सबसे नन्हा बछड़ा, जिसका नाम नसीमा ने गुलाबो रखा है, उसका मन पसंद है। नसीमा उसको प्यार से सहलाकर अक्सर उसे गले लगा लेती है। रोज सुबह पास ही रहने वाला चरवाहा अपनी बकरियों के बड़े से झुंड को चराने ले जाता है। चराने के काम में उसका साथ देता है उसका पालतू कुत्ता, जो कि खेलता कूदता फुदकता हुआ साथ चलता है। कभी वह चरवाहे के पैर को चाटता, कभी उसकी टांगों पर प्यार से नाक रगड़ता। चरवाहे के पीछे पीछे आता दिखाई देता है अमू, जो कि अपने गधे पर माल डालकर पास के बाजार में बिक्री करने ले जाता है। आज अमू थोड़ा परेशान दिख रहा है, गधे के ऊपर सामान भी नहीं रखा है। जब वह नसीमा के पास आता है तो दिखता है कि गधे के पैर पर पट्टी बंधी हुई है। अरे ओ अम्मू, गधे को क्या हुआ रे? नसीमा दी, इसके पैर पर चोट लग गई। ज्यादा गहरा घाव नहीं है, पर परेशानी बढ़े ना इसलिए जानवरों के अस्पताल ले जा रहा हूँ। नसीमा के आसपास कितने सारे जानवर हैं, और वे न हो तो जीवन का पहिया कैसे चलेगा। बिल्ली और पक्षियों से उसकी दोस्ती है, वे उसके पास दाना पानी लेने आते हैं, लेकिन गाय, बकरी और अन्य पशु, जिनका पालन नसीमा और उसके गांव के अन्य लोग करते हैं, इन पर तो गांव वालों की रोजी रोटी निर्भर है। बच्चों, लोग जानवर क्यों पालते हैं? अलग अलग कारणों से। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे और मांस के लिए, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए, गधे बोझ ढोने के लिए, बैल हल चलाने के लिए, घोड़े गाड़ी या तांगा खींचने के लिए, कुत्ता या बिल्ली पालतू रखने के लिए। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से घर या घर के आसपास नहीं रहने देते। चींटियां, कॉकरोच, मकड़ी, चूहे आदि ऐसे जानवरों के उदाहरण हैं। जब नसीमा घर में घुसती है तो दीवार पर एक छिपकली देख के डर जाती है। उसकी चीख सुनकर दादी बाहर आती हैं और उसको समझाती हैं। छिपकली से डरो मत नसीमा, प्रकृति में हर जानवर का स्थान है। यह छिपकली कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। डरावना दिखने वाला सांप सपेरे की जीविका का साधन है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ जानवर नुकसान भी पहुंचाते हैं। मच्छरों के काटने से बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इनको अपने आसपास पनपने नहीं देना चाहिए। कुछ जानवर गंदगी में रहते हैं और खुद बीमारियां फैलाने का जरिया बन जाते हैं। इन्हें सावधानी पूर्वक छूना चाहिए,
छूने के बाद हाथ धोने चाहिए। किसी जानवर को न नुकसान पहुंचाना चाहिए और न ही परेशान करना चाहिए। उसकी और तुम्हारी, ये दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जी दादी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। तो बच्चों, आज नसीमा के साथ साथ तुमने भी बहुत कुछ सीखा। इंसान और जानवर बहुत तरह से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इंसान तरह तरह के जानवर पालता है अपनी अलग अलग जरूरतें पूरी करने के लिए। लोग जानवरों का रखरखाव, यानी उनकी साफ सफाई, खाना पीना, टीकाकरण, दवा पट्टी, ये सभी करते हैं। जानवर जब बीमार होते हैं तो उन्हें एक खास जानवरों के अस्पताल ले जाया जाता है। सभी जानवर हमारी मर्जी से हमारे साथ नहीं रहते, वे हमारे घरों की दीवार, कोने या गलियों में भी रहते हैं। हमें जानवरों को छूने और उनके साथ खेलने में सावधानी बरतनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना और नसीमा की तरह तुम भी बहुत से जानवरों से दोस्ती करना, लेकिन ध्यान से।